मैं विश्वजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्लांट अकेडमी पर हम लोग एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व कर चुके थे ओके अब हम लोग 10.2 को बनाते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोगों को पता है कि अगर कोई वैक्टर एक्स दिया हुआ है मान लेते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है मॉड ऑफ एक्स इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसा पता है दैट मीन्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द कॉफिसेंट ऑफ आई जे एंड के ठीक है उसका रूट हमारा मैग्नीट्यूड होता है तो अब क्वेश्चन नंबर बी को जैसे बनाते हैं हम चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं इस बी वाले को बना रहे दैट मीन्स वैक्टर बी का मॉडलस निकाल रहे हैं तो वैक्टर बी दिया गया आपके पास टू आई माइनस सेवन जे माइनस थ्री के ऐसा दिया गया है तो देयर फॉर मॉड ऑफ वैक्टर बी क्या हो जाएगा रूट अंडर टू स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशेंट क्या है माइनस सेवन का स्क्वायर के का कॉफिशेंट क्या है माइनस थ्री का स्क्वायर अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा आपका फोर प्लस फोर्टी नाइन प्लस नाइन ठीक है रूट अंडर कितना हो जाएगा जल्दी से बोलिए रूट अंडर सिक्सटी टू ये इसका मॉडल्स हो जाएगा तो वेक्टर ए का वेक्टर और सी का मॉडलस आपको खुद से निकालना है बोल रहे राइट टू डिफरेंट वैक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड अच्छा तो देखिए ऐसा वैक्टर चाहिए जिसका कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए तो देखिए वैक्टर ए लिख लेते हैं हम लोग आई माइनस जे प्लस के एक वेक्टर है ठीक है अब देखिए वेक्टर बी ऐसा करते कॉफिशेंट सिर्फ इंटरचेंज कर देते आई प्लस जे माइनस के ठीक है देखिए दोनों अलग अलग वेक्टर है क्योंकि माइनस जे है प्लस जे है तो डायरेक्शन तो अलग होगा ही होगा और मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड रूट थ्री होगा इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट थ्री होगा तो क्या करना चाहिए कॉफिशेंट वही रहने देंगे आई जे के का सिर्फ प्लस माइनस साइन से चेंज कर देंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंट वैक्टर आ जाएगा ठीक है जिसका कि मैग्नीट्यूड सेम होगा बोल रहे राइट टू डिफरेंट वैक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन अब देखिए सेम डायरेक्शन होना चाहिए तो क्या करेंगे इसको सपोज दैट एक वेक्टर है हमारा i माइनस टू जे प्लस थ्री के एक वेक्टर है तो एक वेक्टर ऐसा करता है इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं पॉजिटिव नंबर से मान लेते हैं कि सब में फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा फोर आई माइनस एट जे प्लस ट्वेल्व के तो क्या हो जाएगा इस दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा किसी वेक्टर में पॉजिटिव नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होता याद रखिएगा तो दो अलग अलग वेक्टर है जिसका कि डायरेक्शन सेम है बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट वेक्टर दिस एंड दिस आर इक्वल अब इसके सॉल्यूशन की बात करें अगर तो ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल है ठीक है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर टू आई प्लस थ्री जे इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे अगर दो वेक्टर इक्वल होता है तो देयर फोर आई का कॉफिशेंट यहाँ पर क्या है टू यहाँ पर आई काफिशेंट क्या है एक्स ये आपस में बराबर होंगे यहाँ पर जे का कॉफिशेंट क्या? क्या है थ्री यहाँ जे काफिशेंट क्या है वाई ये भी आपस में बराबर होंगे दैट मीन्स अगर कोई दो वेक्टर आपस आप में इक्वल हो तो आई जे के का कॉफिशेंट भी आपस आप में इक्वल होगा बोल रहा है यहाँ से क्या बोल रहा है क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बोल रहा है कि फाइंड द स्केलर एंड वैक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वैक्टर विद द इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट माइनस फाइव सेवन तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो देखिए गिवेन पॉइंट्स में क्या क्या है बारी हमारे पास तो गिवेन पॉइंट्स हमारे पास पॉइंट ए ये क्या दिया हुआ है टू वन और पॉइंट बी क्या दिया है माइनस फाइव सेवन ठीक है तो बोल रहे फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विद इनिशियल टू वन एंड टर्मिनल पॉइंट फाइव माइनस फाइव सेवन तो देआर फोर इनिशियल पॉइंट ए है टर्मिनल पॉइंट बी है तो so वैक्टर क्या बन जाएगा वैक्टर ए बी वैक्टर ए बी क्या हो जाएगा पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस क्या होगा पोजिशन वैक्टर ऑफ ए पता है हम लोगों को दैट मीन्स बी माइनस ए तो क्या हो जाएगा माइनस फाइव माइनस टू माइनस सेवन आई ठीक है प्लस सेवन माइनस वन प्लस सिक्स जे ये एक वेक्टर बन जाएगा ए बी हम लोगों को चाहिए इसका स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट तो स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा स्केलर कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा जल्दी से बोलिए स्केलर कंपोनेंट्स हो जाएगा हमारा माइनस सेवन सिक्स ठीक है अब बात करते हैं कि इसका वेक्टर कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा तो माइनस सेवन आई और सिक्स जे ये इसका वेक्टर कंपोनेंट कहलाएगा ये भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द वैक्टर दिस 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 अब हम लोगों को इसका सम चाहिए तो सॉल्यूशन देखते हैं तो क्या चाहिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी चाहिए ठीक है तो दिस इम्प्लाइज द ए के जगह क्या होगा आई माइनस टू जे प्लस के प्लस वैक्टर बी के जगह क्या होगा माइनस टू आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के वेक्टर सी के जगह क्या होगा आई माइनस सिक्स जे माइनस सेवन के ऐसा होगा जब ऐड करते हैं तो आई वाला आई के साथ ऐड होगा देखिए आई प्लस आई टू आई माइनस टू आई क्या हो जाएगा ज़ीरो फिर माइनस टू जे प्लस फोर जे मा प्लस टू जे प्लस टू जे माइनस सिक्स जे क्या हो जाएगा माइनस फोर जे प्लस के प्लस फाइव के प्लस सिक्स के माइनस सेवन के माइनस ये हो जाएगा इसका सम दो वेक्टर्स इसका सम हो गया हमारे पास रहा फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस इसके डायरेक्शन का हम लोगों को यूनिट वेक्टर चाहिए तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका वेक्टर ए क्या दिया हुआ है पहले ये देख लीजिए तो वेक्टर ए है आपके पास आई प्लस जे प्लस टू के हम लोगों को पता है यूनिट वेक्टर ए चाहिए ए के डायरेक्शन का तो इसका फॉर्मूला क्या होगा वैक्टर ए बाय मॉड ऑफ वैक्टर ए तो वैक्टर ए कितना हो जाएगा आई प्लस जे प्लस टू के बाय मॉड ऑफ वैक्टर क्या हो जाएगा रूट अंडर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर क्या हो जाएगा वन प्लस वन प्लस फोर क्या हो जाएगा सिक्स ठीक है तो रिक्वायर्ड वैक्टर हो जाएगा हमारा आई बाय रूट सिक्स प्लस जे बाय रूट सिक्स प्लस टू रूट टू यूनिट वेक्टर के बाय रूट सिक्स ये हो जाएगा हमारा ए के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर फिर बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट्स दिस एंड दिस ठीक है इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो गिवेन क्या हो गया हमारे पास गिवेन हो गया पॉइंट पी दिया हुआ है हमारे पास वन टू थ्री अ पॉइंट क्यू दिया हुआ है हमारे पास फोर फाइव सिक्स तो हम लोगों को चाहिए वेक्टर पी क्यू तो क्या होगा पोजिशन वैक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ पी दैट मीन्स क्या हो जाएगा क्यू माइनस पी फोर माइनस वन क्या हो जाएगा थ्री आई फाइव माइनस टू क्या हो जाएगा सॉरी प्लस थ्री जे सिक्स माइनस थ्री प्लस थ्री के ये बन गया हमारा वैक्टर पी क्यू ठीक है फिर देखते हैं नेक्स्ट बोल रहा है फॉर द गिवेन वेक्टर दिस एंड दिस Find द यूनिट वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वैक्टर ए प्लस बी तब इसके सॉल्यूशन को देखें अगर तो वैक्टर ए क्या दिया हुआ है टू आई माइनस जे प्लस टू के फिर वैक्टर बी क्या दिया हुआ है माइनस आई प्लस जे माइनस के तो देआर फोर वैक्टर ए प्लस बी ठीक है हम लोग ऐसा करते हैं इसको एम मान लेते हैं एक ये वेक्टर m है a प्लस बी तो a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा i ठीक है माइनस ए प्लस जे कैंसिल आउट और ये क्या हो जाएगा प्लस k तो हम लोगों को a के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए ठीक है सॉरी इस a प्लस बी के डायरेक्शन का यानी कि यूनिट वेक्टर m चाहिए तो क्या होगा वेक्टर a प्लस बी वैक्टर ए प्लस बी बाय मॉड ऑफ ए प्लस बी होगा पता है ना किसी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है वेक्टर बाय उसका मॉडलस तो i प्लस के बाय क्या हो जाएगा रूट टू ये बन गया हमारा i कैप बाय रूट टू प्लस के कैप बाय रूट टू ये हो जाएगा m के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर फिर बोल रहा है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस विच हैज़ मैग्नीट्यूड एट यूनिट ठीक है इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वेक्टर ए वेक्टर ए क्या हो गया फाइव आई माइनस जे प्लस टू के वैक्टर ए हो गया तो हम लोगों को इसके डायरेक्शन का वेक्टर चाहिए जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना हो एट यूनिट होना चाहिए तो पहले यूनिट वेक्टर ए निकाल लेते हैं यूनिट वेक्टर ए क्या होगा वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए तो वेक्टर ए कितना हो जाएगा फाइव आई माइनस जे प्लस टू के बाय इसका मॉडलस क्या हो जाएगा रूट अंडर पच्चीस प्लस एक प्लस चार तो रूट कितना हो जा रहा है थर्टी तो फाइव आई माइनस जे प्लस टू के बाई रूट थर्टी ठीक है अब देखिए रिक्वायर्ड वेक्टर जो चाहिए उसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए हम लोगों को एट यूनिट चाहिए तो दे आर रिक्वायर्ड वैक्टर ठीक है रिक्वायर्ड वैक्टर क्या होगा एट यूनिट वेक्टर ए तो एट मल्टीप्लाई कर दें तो कितना जाएगा एट बाई रूट थर्टी इंटू फाइव आई माइनस जे प्लस टू के बन गया हमारा क्वेश्चन ठीक है फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सो दैट वेक्टर दिस एंड दिस आर कॉलिनियर ठीक है तब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो पहले क्या दिया है वेक्टर ए क्या दिया है टू आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के ऐसा दिया हुआ है ठीक है वेक्टर बी वेक्टर बी क्या दिया गया हम लोगों को माइनस फोर आई प्लस सिक्स जे माइनस एट के ऐसा दिया गया है ठीक है अब यहाँ से देखें तो माइनस टू निकाल सकते हैं कॉमन माइनस टू कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा टू आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के ऐसा होगा अब ये देखें तो इसको लिख सकते हैं माइनस टू वैक्टर ए तो सिंस वैक्टर बी बराबर माइनस टू वैक्टर ए ठीक है तो देअर फोर हम लोगों को पता है कि अगर वैक्टर ए बराबर अगर लैम्डा वैक्टर बी हो जाता है तो वैक्टर एक दूसरे का क्या होता है कॉलोनीर हो जाता है देयर फोर वैक्टर ए एंड वैक्टर बी आर कॉलोनियर ओके okay, क्लियर है या फिर दिखा सकते हैं कि इसका स्केलर इस कंपोनेंट प्रोपोर्शनल है दूसरे तरीके से देखें सेकेंड मेथड की बात करें अगर यहाँ पर ठीक है तो सेकेंड मेथड क्या करेंगे आई का कॉफिस कितना है टू बाय माइनस फोर कितना जाएगा माइनस वन बाई टू माइनस थ्री बाय सिक्स कितना जाएगा माइनस वन बाई टू फोर बाय माइनस एट कितना जाएगा माइनस वन बाई टू यहां लिख सकते हैं सिंस द स्केलर कंपोनेंट द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर प्रोपोर्शनल ठीक है स्केलर कंपोनेंट क्या है प्रोपोर्शनल है देयरफॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कॉलिनियर याद रखिएगा कि इस तरह से भी हम लोग कॉलोनियर दिखा सकते हैं अब बोल रहे हैं फाइंड द डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ़ वेक्टर दिस तो हम लोगों को पता है कि डायरेक्शन क्वेश्चन कैसे निकालते हैं देखते हैं तो इसके सॉल्यूशन की बात करें अगर तो वेक्टर ए क्या दिया गया है मान लेते हैं वेक्टर ए है हमारा आई प्लस टू जे प्लस थ्री के ठीक है मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा वन प्लस फोर और प्लस नाइन कितना हो जाएगा रूट फोरटीन ठीक है तो दे फोर डायरेक्शन को शाइन एल क्या होगा एल हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा कॉस अल्फा क्या होगा कॉफिशेंट ऑफ आई बाई मॉड ऑफ ए दैट मीन्स वन बाय रूट फोरटीन ठीक है एम क्या होगा तो एम हो जाएगा आपका कॉस बीटा ये क्या हो जाएगा जे का कॉफिशेंट बाय मॉड ऑफ ए तो क्या हो जाएगा टू बाय रूट फोर्टीन टू बाय रूट फोर्टीन ठीक है एल एम एन क्या हो जाएगा कॉस गामा ये क्या हो जाएगा के का कॉफिशेंट थ्री बाय रूट फोर्टीन ठीक है बन गया हमारा क्वेश्चन डायरेक्शन को साइंस आ गया हमारे पास ठीक है फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे फाइन द डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ वैक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस ठीक है तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं तो पॉइंट ए क्या दिया गया पहले ये देख लीजिए तो पॉइंट ए हो गया हमारे पास वन टू माइनस थ्री और पॉइंट बी क्या हो गया हमारे पास पॉइंट बी हो गया हमारे पास माइनस वन माइनस टू वन ठीक है डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी है तो वेक्टर ए बी निकाल लेंगे वेक्टर ए बी क्या होगा बी माइनस ए पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए तो बी माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस टू आई माइनस फोर जे और प्लस फोर के अब यहाँ से मॉड ऑफ वैक्टर ए बी निकाल लेते हैं मॉड ऑफ वैक्टर ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर फोर प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन तो थर्टी सिक्स का वैल्यू कितना जाएगा सिक्स ठीक है अब यहाँ पर एल क्या होगा तो एल हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा कॉस अल्फा क्या होगा आई का कॉफिशेंट बाय मॉड ऑफ ए बी यही ना पता है हम लोगों को क्या हो जाएगा माइनस टू बाई सिक्स दैट मीन्स वन माइनस वन बाई थ्री इसी तरह से एम क्या हो जाएगा कॉस बीटा ठीक है कॉस बीटा क्या हो जाएगा जे का कॉफिशेंट बाय मॉड ऑफ वैक्टर ए बी तो जे का कॉफिशेंट कितना हो जाएगा माइनस फोर बाय सिक्स हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री एल एन एन क्या हो जाएगा गामा कॉसगामा गामा क्या हो जाएगा के काफिशेंट बाय सिक्स दैट मीनस फोर बाय सिक्स क्या हो जाएगा टू बाई थ्री ठीक है चलिए बन गया हमारा क्वेश्चन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन को बोल रहा है कि सो दैट वेक्टर दीस आर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड ठीक है तो सॉल्यूशन की बात करते हैं ठीक है तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि लेट वेक्टर ए जो है हमारा ये हमारा आई प्लस जे प्लस के ये हमारा वेक्टर ए है तो एंगल मेड बाय एंगल मेड बाय ओ एक्स ये अल्फ़ा है एंगल मेड बाय ओ वाई ये बीटा है और एंगल मेड बाय ओ जेड ये गामा है ठीक है अब देखिए देयर फॉर एल क्या होगा यहाँ पर तो एल हो जाएगा हमारा क्या कॉस अल्फा कॉस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा वन बाय मॉड ऑफ ए यहाँ से हम लोग मॉड ऑफ ए भी निकाल के रख लेते हैं तो मॉड ऑफ ए का वैल्यू हो जाएगा रूट थ्री वन बाई रूट थ्री ऐसा होगा फिर देखिए एम क्या होगा कॉस बीटा कॉस बीटा क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा वन बाई वन बाई रूट थ्री ठीक है एन क्या होगा गामा कॉसगामा गामा क्या हो जाएगा वन बाई रूट थ्री ठीक है अब देखिए सिंस कॉस अल्फा अल्फा इज इक्वल टू क्या है कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या है गामा तो देअर फोर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बीटा बराबर क्या हो जाएगा गामा ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इक्वली इंक्लाइंड क्योंकि एंगल जो है अल्फा बीटा और गामा आपस में क्या हो जा रहा है इक्वल हो जा रहा है ठीक है बोल है फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजिशन वेक्टर आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली इन द रेसियो टू इज टू वन इंटरनली ठीक है सॉल्यूशन की बात करते हैं तो गीवेन क्या क्या है भाई तो गिवेन हो गया हमारे पास इस वेक्टर का नाम दे देते हैं हम लोग पोजिशन वैक्टर पी लिख देते हैं इसका नाम ठीक है पोजिशन वैक्टर पी क्या हो जाएगा ये आई प्लस टू जे माइनस के फिर ये क्या हो जाएगा पोजिशन वैक्टर इस पॉइंट का नाम पोजिशन वैक्टर क्यू इसका नाम क्या हो जाएगा माइनस आई प्लस जे प्लस के ठीक है अब देखिए वन नंबर की बात करते हैं ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट है पी ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू यहाँ पर कोई पॉइंट है आर चूंकि इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेश में टू टू वन के रेश में देयर फोर पॉइंट आर का जो पोजिशन वैक्टर होगा वो क्या होगा टू पोजिशन वैक्टर क्यू प्लस वन इंटू पोजिशन वैक्टर पी बाय टू प्लस वन अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा आ जाएगा आपका आंसर सॉल्व की जगह क्या हो जाएगा टू आई प्लस फोर जे माइनस टू के प्लस पोजिशन वेक्टर अच्छा टू क्यू है ना टू क्यू दिया हुआ है ना ये तो मिस्टेक कर गए हम कोई बात नहीं है फिर से ठीक कर दे रहे हैं इसको तो टू क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस टू आई प्लस टू जे प्लस टू के प्लस पी प्लस पी क्या हो जाएगा आई प्लस टू जे अब माइनस के अब बाय इसे सॉल्व कर दीजिएगा आ जाएगा आपका आंसर अब देखिए दूसरा क्या है फिर यहाँ पर P है फिर यहाँ पर Q है लेकिन ये डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली तो ये पॉइंट यहाँ पर कहीं एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है ई पॉइंट आर पर अब रेशियो कितना है टू इस टू वन का फिर रेशियो है ठीक है जब एक्सटर्नली डिवाइड हो तब उस कंडीशन में पोजिशन वेक्टर आर जो होगा ये टू पोजिशन वैक्टर क्यू माइनस वन पोजिशन वैक्टर पी बाय टू माइनस वन आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा और एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन को हम ऑलरेडी भी बता चुके हैं ठीक है बोल रहा है फाइंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ द मीड पॉइंट ऑफ द वैक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन को तो यहाँ पर जो गिवेन है वो पॉइंट पी दिया हुआ है टू थ्री फोर पॉइंट क्यू दिया हुआ है ये फोर वन माइनस टू तो पॉजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी चलिए इस बार इसको ओ पी मान लेते हैं पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी को ओ पी लिख सकते हैं हम लोग चूँकि ओ ऑरिजिन से कनेक्टेड होता है ये तो ओ पी हो गया क्या हो जाएगा टू आई प्लस थ्री जे प्लस के फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू ये क्या हो जाएगा ओ क्यू ओ क्यू क्या हो जाएगा फोर आई फोर आई प्लस जे माइनस टू के ठीक है अब यहां पर बोल रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ठीक है चलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट है ना ऑफ़ वेक्टर पी क्यू क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर ओ क्यू बाय टू ये भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आपका आ जाएगा आंसर बोल रहे कि सो दैट पॉइंट्स दिस ए बी सी विथ पोजिशन वैक्टर्स दिस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिस ऑफ अ राइट एंगल ट्रेनगल ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है देख लेते हैं यहाँ पर कि ये एक राइट एंगल ट्रेंगल का वर्टिसेस बना रहा है ये पता करना है हम लोगों को तो सॉल्यूशन तो पोजिशन वेक्टर ए का तो ये वेक्टर ओ ए हो जाएगा वेक्टर ओ ए क्या हो जाएगा थ्री आई माइनस फोर जे और माइनस फोर के फिर वेक्टर ओ बी आ जाएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी का तो क्या हो जाएगा ये टू आई माइनस जे प्लस के फिर ओ हो जाएगा क्या हो जाएगा आई माइनस थ्री जे माइनस फाइव कैसा हो जाएगा अब यहाँ से वेक्टर ए भी निकाल लेते हैं तो वेक्टर ए भी क्या हो जाएगा बी माइनस ए बी माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आई ठीक है माइनस आई प्लस थ्री जे प्लस फाइव के ये हो जाएगा वेक्टर ए बी तो वेक्टर ए बी जब है तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी निकाल सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर जल्दी से बताइए टेन और थर्टी ट्वेंटी फाइव तो क्या हो जाएगा थर्टी फाइव ठीक है फिर वेक्टर बी सी निकाल लेते हैं वेक्टर बी सी क्या जाएगा तो सी माइनस बी सी माइनस बी करेंगे तो क्या जाएगा फिर होगा हमारा माइनस आई माइनस टू जे सी माइनस बी और माइनस सिक्स के ऐसा होगा तो मॉड ऑफ बी सी निकाल लेते हैं तो मॉड ऑफ बी सी क्या हो जाएगा रूट अंडर वन प्लस फोर फाइव और प्लस सिक्स थर्टी सिक्स प्लस फाइव कितना जाएगा फोर्टी वन फिर निकाल लेते हैं वेक्टर सी ए तो वेक्टर सी ए क्या हो जाएगा सी माइनस ए सी माइनस ओ ए तो ओ सी माइनस ओ ए करेंगे तो कितना जाएगा माइनस टू आई ठीक है फिर आपका प्लस जे ओके फिर क्या हो जाएगा सी माइनस ए करेंगे ठीक है तो प्लस ए फिर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के तो यहाँ से फिर निकाल लेते हैं मॉड ऑफ वेक्टर सी ए कितना जाएगा रूट अंडर चार एक पाँच एक ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है अब देखें यहाँ पर तो सिंस फ्रॉम ए फ्रॉम ए क्या यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए बी स्क्वायर मॉड ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया मॉड ऑफ बी सी का स्क्वायर इसका मतलब दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर है देअर फोर पॉइंट ए बी एंड सी फॉर्म अ राइट एंगल ट्रा फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल को बनाता है ये अब हम लोगों को प्रूफ हो गया ओके चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा इनमें से कौन सा सही है तो हम लोगों को पता है वेक्टर एडिशन लॉ से यहाँ से ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा ए सी तो यहाँ से फिर हम लोग ए बी प्लस बी सी बराबर लिख सकते हैं माइनस सी ए तो माइनस सी ए तो क्या हो जाएगा प्लस सी ए दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जीरो ये हो जाएगा हमारा आंसर कंप्लीट ठीक है अब बोल रहा है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू कॉलोनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट अभी पढ़े थे कि अगर ए और बी कॉलिनियर है तो वेक्टर बी बराबर लेमडा वेक्टर ए होगा ठीक है वेक्टर ए बराबर प्लस माइनस बी भी हो सकता है ये भी सही है द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल ये भी सही है बोथ ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का सेम डायरेक्शन हो एक इधर भी डायरेक्शन हो सकता है एक अब इधर भी डायरेक्शन हो सकता है तो भी कॉलोनियर होता है ये ठीक है ये भी हो गया हमारा कंप्लीट तो इसका मतलब हो गया हो गया कि हम लोग एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू को कंप्लीट कर चुके हैं अब हम फिर कुछ कंसेप्ट का वीडियो अपलोड करेंगे उसके बाद फिर टेन पॉइंट थ्री के सॉल्यूशन के वीडियो को अपलोड करेंगे ठीक है तब तक आप लोग खुद से कुछ पढ़ते रहिए और प्रयास करते रहिए रिविज़न करते रहिए हम पूरा सिलेबस कम्प्लीट कर देंगे आप बहुत जल्द ठीक है वीडियो रेगुलर आएगी आप टेंशन मत लें सिर्फ आप मेहनत जरूर करते रहें चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और हाँ कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जब तक आप मुझे इन्फॉर्म नहीं कीजिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है अगर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है प्लीज़ वो भी कमेंट कर दिया करें कि क्लियर है या क्लियर नहीं है जो भी रहे प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें ठीक है चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप लोग पढ़ते रहिए खुश रहिए बाय बाय